हाय, मैं हूं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सा जो रिजल्ट है या फिर कॉरोलरी है जो भी उसका, वो है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये है क्या वो देखते हैं। एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बेसिकली ना टेम्परेचर को का स्केलिंग है, मतलब टेम्परेचर का रेफरेंस, मतलब टेम्परेचर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली इस वर्ल्ड में, तो हम लोग ना उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और भी अलग अलग तरीके से करते हैं उसको हम लोग डिफाइन, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझना है कि थर्मोडायनेमिक स्केल में कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक रिजर्वर होता है T1 टेम्परेचर पे, उसमें हीट इंजन देते हैं लगा, उसे कुछ हीट खींचता है और हीट इंजन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो उसमें हमें रिवर्सिबल वर्क मिलेगा, ठीक है। R से रिवर्सिबल का नोटेशन दे रहे हैं कि हीट इंजन रिवर्सिबल है, ये बात को नोट डाउन कर लीजिए अभी। और कि Q2 हीट रिजेक्ट करता है कुछ लोअर टेम्परेचर रिजर्वर पे, T1 ग्रेटर देन T2। तो अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हम कोशिश किए, अगर फाइंड किए, तो हमें क्या मिला ना कि जो इसका जो एफिशिएंसी हम लोग निकाले ना, वो ये जो इसका टेम्परेचर था सोर्स का और सिंक का, उस पे डिपेंड कर रहा था। जो एफिशिएंसी जो था वो सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, और वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा था ये नहीं पता था। लेकिन अगर उसको इसको वेरी करते थे तो एफिशिएंसी वेरी कर रहा था, इसको वेरी कर रहे थे तो एफिशिएंसी वेरी कर रहा था, दोनों को वेरी कर रहे थे तो एफिशिएंसी वेरी कर रहा था। मतलब ये जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर T1 और T2 के कुछ फंक्शन था, मतलब उस पर वो डिपेंड करता था, है ना। एफिशिएंसी इज फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। तो बट हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, वो है WR अपॉन Q1R, मतलब जितना मिलेगा वर्क अपॉन जितना हम लोग दिए इनपुट, ठीक है। तो अगर हम लोग WR यहाँ से रिप्लेस कर दिए तो Q1R माइनस Q2R अपॉन Q1R यहाँ से आ गया 1 माइनस Q2R अपन Q1R। बट ये एफिशिएंसी किसका फंक्शन था, इस दोनों टेम्परेचर का। तो एक्चुअली ये जो एफिशिएंसी ही तो है, वो एफिशिएंसी है फंक्शन है T1 और T2 का, उसको लिखते हैं 1 माइनस Q2R अपन Q1R, ठीक है। तो हम तो इसको हम लोग लेट एक नया फंक्शन मान लिए, इसमें से ये क्या कर दिए Q2R को भेज दिया इस साइड, और 1 माइनस स्मॉल फंक्शन ऑफ T1 T2 को लिख दिया हम लोग Q2R अपन Q1 इज फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। बेसिकली इसमें यह है कि जो Q2R अपन Q1R जो है ना, वो टेम्परेचर का फंक्शन है, वो एफिशिएंसी से आया है ना। ये रिवर्सिबल इंजन के लिए ये चीज़ हमने किया है, तो ये चीज़ याद रखना रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो ये जो Q2R अपन Q1R जो एफिशिएंसी था, वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का फंक्शन था, तो उससे हमने रिलेशन ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, ये एक हीट इंजन था, ठीक है। अब दो हीट इंजन को सीरीज में लगा देते हैं तो क्या होता है। तो हीट इंजन इन सीरीज, तो एक सोर्स है फिर एक हीट इंजन है, उससे हीट लिया फिर रिजेक्ट किया, फिर बीच में एक और सिंक लगाए, फिर उसको सोर्स बना दिया, फिर दूसरा हीट इंजन आया, मतलब हीट इंजन इन सीरीज। तो हम लोग एक के लिए लिखे तो हम लोग के पास आया Q1R अपॉन Q2R इज फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, Q1R अपॉन Q2 इज। तो अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो Q1 अपॉन Q2 इज फंक्शन ऑफ T1 T2, अगर इसके लिए लिखेंगे तो Q3 का, तो Q2 अपॉन Q3 इज फंक्शन ऑफ T2 एंड 3। और अगर हम इसके बीच में डायरेक्ट एक हीट इंजन लगा देते हैं जो कि रिवर्सिबल है, सारे हीट इंजन रिवर्सिबल है, तो उसका लिखते हैं Q1 अपॉन Q3 इज फंक्शन ऑफ T1 एंड T3, ठीक है। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन को इससे हम लोग डिवाइड कर दें तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं Q3 अपॉन Q1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे Q3 अपॉन Q2 से, तो आ जाएगा Q1 अपॉन Q2। आप कर सकते हैं इसको इससे करना डिवाइड, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो आया वो हम लोग इस दोनों इससे इसको इससे कर देंगे डिवाइड, तो ये चीज़ आ जाएगा।
तो हाँ, तो मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो वही चीज़ है एफ टी वन कॉमा टी टू इज एफ ऑफ टी वन टी थ्री अपॉन टी टू टी थ्री, है ना। बस कुछ नहीं किया है मैथ से, इसको इससे कर दो डिवाइड, ये चीज़ आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो ये चीज़ आ जाएगा, तो ये चीज़ इक्वल्स टू ये डिवाइडेड अपॉन ये, ये चीज़ इक्वल्स टू ये डिवाइडेड अपॉन ये, ठीक है। अब इस चीज़ से ही सब कुछ आता है, वो ये है कि एफ टी वन टी टू जो था अभी हम लोग लाई डिवाइड करके, वो जो ये जो फंक्शन है जो टी वन टी टू पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एफ टी वन टी टू का फंक्शन डिवाइडेड अपॉन फंक्शन ऑफ टी टू टी थ्री। तो ये तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो टी वन पर डिपेंड कर रहा है और टी टू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ जो डिपेंड कर रहा है वो टी वन और टी थ्री और टी टू और टी थ्री, मतलब ये चीज़ टी थ्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टी थ्री को एक तरीके से ऊपर नीचे एक तरीके से जो भी फंक्शन बन रहा होगा ना, ऊपर में अगर टी थ्री आ रहा होगा तो वो कैंसिल हो रहा होगा नीचे के टी थ्री से। तो बेसिकली हम ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि टी वन टी टू एक दो अलग अलग फंक्शन के इक्वल हो उनका डिवीज़न का, जब उसमें कोई तीसरा वेरिएबल ना हो, टी थ्री ना हो, मतलब इसको एक अलग फंक्शन बोल देते हैं फाइव टी वन अपॉन फाइव टी टू। मतलब बेसिकली ये अब दिख रहा है ना, ये जो फंक्शन है वो टी वन और टी टू पर ही कर रहा है डिपेंड, ये टी थ्री पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके का फंक्शन होगा, तो इस चीज़ को ही हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक में, वी डिफाइन दिस रेशियो, इस रेशियो को एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, इसी को बोलते हैं इसी रेशियो को। और ये एक्चुअली क्या था, एफ टी वन बाई टी टू, यहाँ देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पर जो एफ टी वन बाई जो एफ टी वन कॉमा टी टू जो था ना, वो क्यू वन अपन क्यू टू था, एफ टी वन टी टू जो था वो क्यू वन अपन क्यू टू था। तो एफ टी वन जो एफ टी वन टी टू था वो था क्यू वन अपन क्यू टू, और वो इक्वल्स टू फाइव टी वन अपन फाइव टी टू। इसी फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं टी वन अपॉन टी टू, इसी को हम लोग टेम्परेचर बोल देते हैं, इसी रेशियो को हम लोग टेम्परेचर बोल देते हैं, और यहीं से हम लोग थर्मोडायनेमिक स्केल जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल डिफाइन करते हैं। ये एक फंक्शन होता है, वो क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें चूँकि हमें पूरा नहीं नोन है, इसको हम लोग अपने से डिफाइन करते हैं, और हम लोग इसी को फिर टेम्परेचर बोलते हैं। एग्जैक्ट कुछ टेम्परेचर होता नहीं है ना, तो कुछ रेफरेंस में हम लोग करते हैं डिफाइन इस रेशियो को, और इसे बोल देते हैं टी वन अपॉन टी टू, तो कैपिटल टी वन अपॉन कैपिटल टी टू। ये हम लोग लिखे सिर्फ ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन के लिए, जब भी हम लोग एफिशिएंसी लिखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि क्यू टू क्यू वन अपॉन क्यू टू है टी वन अपॉन टी टू, तो क्यू टू अपॉन क्यू वन टी टू अपॉन टी वन होगा, तो वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन टी टू अपॉन टी वन हो गया। ये हम लोग ये तो हमेशा वैलिड है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है ना, ये हमेशा वैलिड ऑलवेज, लेकिन ये तभी वैलिड है जब रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। और ये ऑल, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ ओनली रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, क्योंकि हम लोग ये जो चीज़ किए डिफाइन किए वो रिवर्सिबल इंजन के लिए ही डिफाइन किए। तो बेसिकली इसी रेशियो को डिफाइन करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इस बात को याद रखना है कि हमेशा ये नहीं लिख सकते, ये रिवर्सिबल इंजन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा लिख सकते हैं, ठीक। बेसिकली ये चीज़ ही है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ स्केल थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं थर्मोडायनेमिक्स, आप देख सकते हैं।